अली और आयशा दोनों पैगंबर के अहले बैत हैं, इन दोनों का झगड़ा मीरास का है, हुक्म सुनाओ और इस बहस को खत्म करो। ये दरख्वास्त उम्मुल मोमिनीन आयशा की तरफ से कुफ वालों के नाम है। लिखा है जो भी दीन मोहम्मद में दाखिल है वो हरीम मोहम्मद की मदद करे। अबुल हसन खस्त रखते हैं कि हमारे साथ जंग करें। पनाह बर खुदा। देखो जवान, तुम अपनी बहन की मोहर को पहचानते हो, क्या ये उम्मुल मोमिनीन की मोहर नहीं है या नहीं? रो क्यों रही हो सरदार? कुछ नहीं। तुम इस कारावान की एक रहबर हो, हैरत नहीं कि कुत्तों के भौंकने से डरो? नहीं, नहीं। तो क्या कोई ऊंट मर गया है? असमा की किस्मत का ऊंट मर गया। जिसका बाप यार गार, बहन उम्मुल मोमिनीन, शौहर शमशीर दीन और बेटा नायब खलीफा हो, उसकी मंजिलत तो आसमान से भी ऊंची है, फिर क्यों नाशुक्री करती हो मां? मेरे बुलंद इकबाली ने मुझे दरबदर कर दिया। हंसने की बात नहीं है, सैफ अल इस्लाम की औलाद। वो कैसे रातें थी जब मैं अपने घर की मालिका थी, चूल्हा जल रहा था, मेरे इर्द गिर्द बच्चे थे। सुन, ये जिंदा कुत्ते हैं जो भूख। इसकी फिक्र न कीजिए, बसरे में जिंदगी की चहल पहल अभी बाकी है। कहाँ है मैंने? हाँ। बड़ी बुरी आवाज वाले कुत्ते हैं। क्या हो गया है, क्या खबर है? उम्मुल मोमिनीन की चीख थी। उम्मुल मोमिनीन परेशान है। क्यों? उन्होंने पूछा था ये कौन सी जगह है, यहाँ कैसे बुरी आवाज वाले कुत्ते हैं। मैंने कहा हवाब, ये सुनते ही चीख मारकर गरीबान चाक कर दिया है, इरादा बदल दिया है, लौट जाना चाहती है। ऐ नादान लड़के, ये हवाब नहीं है। मैंने खुद बद्दुओं से पूछा है, क्यों नहीं समझते, ये हवाब नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ भी हो, ये हवाब नहीं है। कहने दो। तुम नहीं जानते अब्दुल्ला, पैगंबर ने हवाब के बारे में हदीस फरमाई है। एक दिन तुम्हारी खाला से कहा, आयशा ऐसा न हो कि हवाब के कुत्ते तू पर भौंकने लगे। आज की रात वही रात है। अच्छा, जब तुम्हें इस हदीस का इल्म था तो यहाँ पड़ाव डालने की इजाजत क्यों दी? कुछ ऐसी अहादीस हैं जो तजुर्बे के बाद ही समझ में आती है। तुम जाओ जाओ, उन्हें तसल्ली दो बेटा, जाओ। यहाँ क्या हो रहा है खुलफाए मुस्तकबिल? मरवान, लश्कर में ये ऐलान करवा दो, ये बसरे की सरजमीन है,
ये हुआ नहीं है। जैसा आप कहो। आपके धोखाबाजियों से उजरता हो, तेरी बूढ़े को तेरी जान से ज्यादा तेरे बाल पसंद थे। ये नाकाम खुलफा चाहते हैं कि रियासत का जुब्बा तेरे बाल से बना हुआ पहने। सुन नस्कर, एक दफा बिफर के अपने सवार को जमीन पर दे मार, ताकि ये हिस्सा ही खत्म हो जाए। लश्कर में मेरा और तेरा दर्द कोई नहीं जानता। तो आज रात मेरा हम प्याला हो जा, तन्हाई मेरे बदन में जहर घोल रही है। आजा मिलके पीते हैं। सुकून रूह की दवा है अस्कर। सुकून रूह की दवा है। बसरे में क्या चाहते हो? मैं जो चाहूं खरीद लूंगा, बाग, घर, काशाना, लेकिन उम्मुल मोमिनीन का नहीं मानू। वो कहां है? अपने खेमे में। मैं जाकर उम्मुल मोमिनीन को खबर देता हूं। मैंने इस ऊंट में ताज्जुब खेज बातें देखी हैं। ये किसी गैर मुस्लिम को अपने ऊपर सवार होने नहीं देता। ये सिवाय जिहाद के किसी जंग पर नहीं जाता। बिलबिला तब यह तो महज रिजाए इलाही के लिए। इसके बाल मुतवर्रिक और सांस शिफा बख्श है। इसकी कदर पहचानो, इसके गजब से डरो। चलिए इसकी बयात न तोड़।